guys, welcome to my channel. This is me, Shruti Ingre. So today's vlog आज बहुत ही ज़्यादा मस्ती होने वाली है, enjoyment होने वाला है. So बहुत दिनों से try कर रही थी background दिखाने के लिए, background अच्छा बनाने के लिए, पर अब तक मेरा मतलब बहुत try किया but background कुछ बनाया नहीं मैंने. तो आज हम background करने वाले हैं, तो मैं ही आज करने वाली हूँ background तैयार for the अपने जो जितने भी वीडियोस रहते हैं उनके लिए. तो बहुत मस्ती होने वाली है, तो मस्ती को देखने के लिए और बहुत एंजॉयमेंट करने के लिए अभी कर लीजिए सब्सक्राइब. ओके, सब्सक्राइब मी. है आज हम करने वाले हैं बैकग्राउंड का रिक्रिएशन, बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं. रिक्रिएशन क्या, कुछ क्रिएट ही नहीं है तो क्या रिक्रिएशन. तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं बैकग्राउंड जो हर वीडियो में बहुत अच्छा दिखे. मैं तो दिखती हूँ अच्छी हर वीडियो में, पर हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा दिखना चाहिए हर वीडियो में. तो इसी वजह से आज हम करने वाले हैं बैकग्राउंड क्रिएट. ये सब कुछ साफ करना है तो मैं झाड़ू ला लेती हूँ पहले. तो गाइस, तो मैंने ये दूसरी वाली डाल दी है, ये ख़राब है, तो इस पर अगर कोई कचरा गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. पहले तो इसको चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. क्या क्या सामान लगने वाला है तो मैं पहले बता देती हूँ. तो सबसे पहले मैंने ये डॉम्स का इरेजर ला लिया है. तो दिस इज द डॉम्स इरेजर. दिस इज द डॉम्स पेंसिल का बॉक्स जो मैंने ला लिया है. ओके, तो इसके अंदर एक इरेजर भी फ्री आता है और एक शॉर्पनर भी फ्री आता है, और इस पेंसिल के लिए जो उसका जो कैप रहता है वो भी आ जाता है. और ये है पेंटिंग कलर जो आपको 20 रुपीज़ तक आ जाते हैं, और ये भी डॉम्स के हैं तो ये भी मैं रख देती हूँ. और ये है केच पेंस जो ये भी 10-12 तक आपको आ जाएंगे, और ये भी साइड में रख देंगे. और हमें जो ये टेप जो हमें हमारे पेंटिंग पे काम में आएंगे जो आपको सामने बताई चले जाएगा कि टेप का क्या काम है. और इसके बाद हमें और एक चीज़ की काम है, ये हम टेप लेंगे. सो ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले ब्लैक कलर की टेप ले ली है, और वो मैं पहले स्ट्रेट बॉक्स के शेप में लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड जो चाहिए वो वही जगह पे चाहिए. उस वजह से मैं बॉक्स के तरीके से पहले टेप लगा रही हूँ. अब नीचे से भी वही तरीके से स्ट्रेट लाइन में वो टेप लगा दूँगी जैसे कि मैं लगा रही हूँ, और वो प्रॉपरली हमें लगानी है जिसकी वजह से वो आड़ी गिरी ना जाए. और ये भी हम कट कर लेंगे, और बिल्कुल सेम तरीके से अब हम ट्रायंगुलर शेप में जो हमें शेप बनानी है उस शेप से वो टेप वगैरह हम लगाएंगे. और इसी शेप के वजह से हम आगे आगे ऐसे ही किसी भी टाइप के शेप बना सकते हैं, जहाँ आपको जैसा लगे वैसे टेप लगाना है और बस उसको काटते जाना है, और वैसे आपके शेप बनते जाएंगे. आपको कुछ सोचना नहीं है, जैसे 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 जहाँ जहाँ टेप लग रही है वैसे वैसे आपको लगाती जानी है. तो इतना ही होने में ये टेप पूरी ख़त्म हो गई है. तो कोई ना कोई शनि तो हमारी लाइफ में आता ही है वीडियो बनाते बनाते हर बारी. तो ये ख़त्म हो गई है, तो अब ये वाइट वाली यूज़ करेंगे. क्या बताएं इसकी भी ज़िंदगी कितनी है, बहुत ही छोटी सी दिख रही है. आई थिंक इसमें है ही नहीं, देखिए है कुछ, जितना चलेगी उतना चलाते हैं, फिर मैं टेप बुलाती हूँ. सो चलते हैं. लगाने की जो स्टेप थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है मुझे, क्योंकि अब तक इतनी थक गई थी मैं, और आपको वॉइस नहीं जाती इस वजह से हमने फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, गर्मी में सड़ रहा है. तो ये तो अभी पूरा टेप का काम हो गया है, हमें 3 टेप लगी है बस इसे कम्प्लीट करने में, पूरे 3 टेप देख सकते हैं पूरी 3 टेप में. और वाइट भी है इसमें, वाइट ने भी अपना काम दिया है ब्लैक अलग से. सो
ऐसे ही टेप में चला गया है काम। तो अब आते हैं कलरिंग पे, तो दिस इज माई फेवरेट फेवरेट स्टेप, क्योंकि कलरिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं कलरिंग स्टेप पे। तो हमारे पास ये दो ब्रशेज है, तो सबसे पहले मनु का फेवरेट, मेरी बहन का फेवरेट रेड कलर यूज़ करने वाले हैं, और कैमरा भी उसने पकड़ के रखा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है आज। सो गाइज द फर्स्ट कलर इज़ रेड, और वॉल पे रेड कलर बहुत अच्छा लुक दे रहा था, बहुत अच्छा लग भी रहा था। तो फर्स्ट कलर मैंने रेड बहुत अच्छे तरीके से उसमें कलर कर दिया था और बहुत अच्छा दिख रहा था। तो हम अब इसके बाद सेकंड कलर करेंगे, तो वो भी मैंने रेडी किया था क्योंकि वो इतना अच्छा दिख रहा था, तो मैंने बोला चलो सेकंड कलर भी रेडी कर देती। उसके बाद मैंने ब्लू कलर लिया और वो मैंने उस बॉक्स में उस ट्राइंगल में कलर किया, और वो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था, और मैंने बहुत ही मतलब आराम से उसको कर रही थी, बट वो बस मैंने फास्ट में डाला है, तो आप भी आराम से कीजिएगा जिससे वो बाहर किसी और बॉक्स में ना जाए। इसके बाद का कलर हम भरते हैं, तो इसके बाद का कलर है ग्रीन कलर, जो मुझे मनु ही बता रही थी कि ये कलर भरो वो कलर भरो, तो मुझे वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सो बहुत ही हेल्प किए मुझे उसने, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था ग्रीन कलर भी। बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे, हम राहत आके बैठे है कोई इजाजत दो, हम राहत आके बैठे है कोई इजाजत दो, तुम हाथ थाम लेना हम सवर जाएंगे, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। मतलब समझता नहीं जमाना, जमाने की फिक्र नहीं, मैं चाहूँ तुम्हें समझाना, हो एक मेरी ख्वाहिश यही कि तुम में है बस जाना, हो जितनी भी मुरादे तेरी मैं पूरे सब कर जाना, कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे, हमने अपने जज्बात भी सजा के है रखे, कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे, हमने अपने जज्बात भी सजा के है रखे, तुम आँखों में देखो हमारी सब समझ जाओगे, तुम आँखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। गाइस इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे पूरे 3 से 4 घंटे, 4.5 घंटे हो गए हैं, 4.5 घंटे से मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ, और फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, इतनी थक गई हूँ मैं, ओ गॉड। बट
फाइनली ये कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे देखते हैं आगे की स्टेप क्या है। और मैं इतना ज़्यादा घबरा चुकी हूँ कि मुझे लगता है मैंने क्या कर दिया, अब इसका कुछ होगा या फिर दीवार गई काम से। बट चलो ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छे से होगा। चलो फिर इसको ठीक करते हैं, मतलब देखते हैं, ठीक करने का मौका ही ना मिले, वैसे से ही ठीक रहे वो। तो मैं बहुत घबरा रही हूँ दीवार का ठिकाना ना हो जाए, पर देखते हैं सामने क्या होता है। है इश्क हुआ है, इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला, गाया ना रुका मेरे यारा, मेरे यारा मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले कैसे गला मेरा नाम ले।